नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिम रेलवे ने हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण स्टेशन अहमदाबाद के रेस में हुए शामिल। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा बीकानेर से ब्लास्ट कार्यकारिणी सदस्य योगेश ने भाजपा को छोड़ दी है की वजह से और वे कार्यवासियों में नाराजगी जताई है। अब देख रहे हैं पल पल अहमदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष रविन्द्र लता युवा मूर्य अध्यक्षता में अहमदाबाद के सभी सामाजिक संस्थाओं में भारू स्टेशन मास्टर के शशिकांत को रेस कार्यकारिणी सदस्य के माध्यम से रेलवे मंत्रालय को ज्ञापन दिया है। इससे पहले लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह भौड़ी ने भी सदस्यता से इस्तीफा अहमदाबाद मंडी के अध्यक्ष पर सुभाष बराड़ी के ठहराव के लिए अवगत करवाया था। अहमदाबाद के योगेश सितंबर 2014 में भारी रोष देखने को मिला। देख रहे हैं अहमदाबाद से एलडी स्वामी ने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव रहते हिसार जिला में 6500 सदस्य वर्तमान में वे भाजपा कानूनी प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे। योगेश सिहाग आज अपने समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले और उन्होंने हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उल्लेखनीय है कि योगेश सिहाग के पिता जिला परिषद के पूर्व सदस्य दिलबाग सिहाग कांग्रेस कमेटी में विभिन्न पदों पर रहे और उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुमारी शैलजा से काफी निकटता रही। सिहाग अब दोबारा अपनी घर वापसी कर रहे हैं। इनके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए होने के कारण भाजपा को भारी झटका लगा है। योगेश सिहाग ने कहा कि वे जिस उम्मीद के साथ भाजपा में शामिल हुए थे उस पर भाजपा खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल हुए लोगों की किसी तरह से मान सम्मान नहीं दिया जाता और तथा पार्टी कार्यकर्ता आम जनता के कार्य करवाने में भी असमर्थता महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते आम जनता में भाजपा कार्यकर्ताओं की छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि सत्ता में रहते हुए आम जनता के कार्य नहीं करवा सकते तो ऐसी पार्टी में बने रहना उचित नहीं। भाजपा सरकार ने प्रदेश में लाखों युवाओं को नौकरी नहीं दी, आज युवा बेरोजगारी के आलम पर है। भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हुई है, ऐसे में पार्टी को छोड़ना ही उचित है। आप देख रहे हैं हिसार से ये खास रिपोर्ट। मैं अपने साथियों के साथ भाजपा में 2014 चुनाव से पहले इस उम्मीद के साथ हम सभी साथी जुड़े थे कि देश में और प्रदेश में एक परिवर्तन आएगा और सभी वर्गों को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा वर्ग हो, सभी को एक उचित, युवाओं को रोजगार, किसानों को फसलों के उचित भाव और देश में क्रांति आएगी। इस उम्मीद के साथ हम अपने साथियों के साथ भाजपा से जुड़े थे, परंतु बीजेपी जो है अपने जो चुनावी वादे थे किसी को भी पूरा करने में सफल नहीं हुई है और आम जनमानस में बीजेपी के प्रति रोष है और उस रोष को देखते हुए मैंने आज ही बीजेपी से त्यागपत्र माननीय सुभाष बराड़ा जी प्रदेश अध्यक्ष जी को अपना भेज दिया है और मैं अब अपने सभी साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। भाजपा में जो मुख्य तो जो बीजेपी ये था घोषणा पत्र कि हम लाखों युवाओं को उचित मेरिट के आधार पर रोजगार देंगे, परंतु उन युवाओं का जो सपना था वो टूट गया जब एचएससी में भारी घोटाले हुए हैं और आज तक के सबसे बड़ा घोटाला है। तो जो उनकी जो एक तरफ जो मेरिट की बात करते थे कि योग्यता के आधार पर नौकरियाँ मिलेगी, वो दावे भी विफल हुए हैं और चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या कि किसानों के हितों की बात हो, हर क्षेत्र में भाजपा नाकाम साबित हुई है और इन विफलताओं को देखते हुए मेरा भाजपा से मोह भंग हो गया है और मैं अपने घर में वापसी कर रहा हूँ। उनकी सोच जो है कि भाईचारा, अमन चैन और पूरे प्रदेश में विकास और खुशहाली की जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सोच है उसको उस सोच से और प्रभावित होकर मुझे लगता है कि वो पूरे प्रदेश में अगर कांग्रेस आएगी तो सभी का विकास होगा, 36 बिरादरी का विकास होगा, ना कि जो भाजपा जो जात पात के नाम पर लोगों को बांट के सत्ता में रहना चाहती है, वो कांग्रेस पार्टी की ऐसी सोच नहीं है, वो 36 बिरादरी का मान सम्मान करती है।